महाराष्ट्र सरकार में मंत्री शंभुराजे देसाई जी हमारे साथ हैं। सर, जिस प्रकार से हरियाणा के नतीजे आए, महाराष्ट्र में कितना फर्क पड़ेगा हरियाणा के नतीजों का? लोग अनुमान लगा रहे थे कि बीजेपी को जीत नहीं मिलने वाली तीसरी बार, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और सरप्राइजिंगली बीजेपी अच्छे सीट से जीती। देखिए, हरियाणा के जो रिजल्ट्स आए हैं, वहाँ पे जो वो सरकार ने काम किया था और वहाँ पे जो नेतृत्व था, वो नेतृत्व जो भारतीय जनता पार्टी का था, वो नेतृत्व ने और उस राज्य की जनता ने माननीय मोदी साहब का, माननीय अमित शाह साहब का और माननीय जेपी नड्डा साहब का नेतृत्व स्वीकारा है। जो अच्छे काम करने वाली सरकार है, वो काम करने वाली सरकार के पीछे वहाँ की जनता रही है। बिल्कुल वही सिचुएशन महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में भी पिछले दो सवा दो साल में माननीय शिंदे साहब के, माननीय फडणवीस साहब के और माननीय अजीत दादा के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम हुआ है। वो काम के पीछे, वो काम को सपोर्ट देने के लिए महायुति को महाराष्ट्र में भी बहुमत मिलेगा। हरियाणा में सोशल इंजीनियरिंग देखने को मिला, बीजेपी को जाट हो, दलित हो, ओबीसी वोट मिला। महाराष्ट्र में क्या शिंदे साहब को मराठा समाज की जिम्मेदारी, बीजेपी को ओबीसी समाज को साथ रखने की जिम्मेदारी और अजीत दादा को अल्पसंख्यकों को साथ रखने की जिम्मेदारी दी गई? ऐसा कुछ नहीं है। महाराष्ट्र में सभी लोगों को साथ लेके जाने वाले ये हमारे तीन नेता है। ये सभी तीन ही नेता सभी समाज को, सभी वर्ग के लोगों को साथ में लेके जाएंगे। महाराष्ट्र में महायुति को बहुमत मिलेगा। शिवसेना बार्गेनिंग पावर कम हो गई, बार्गेनिंग पावर कम हो गई है। कौन कहता है? उद्धव गुट की। क्यों? हाँ, उद्धव गुट की। उद्धव नहीं, नहीं, अभी तो मेरे को फंक्शन है 12:30 का। हरियाणा चुनाव के बाद क्या शिवसेना उद्धव गुट की बार्गेनिंग पावर? आप लोग देख रहे हैं, बार बार उबाटा के लोग कहते हैं कि मुख्यमंत्री पद का चेहरा नक्की करो, मुख्यमंत्री पद का चेहरा डिक्लेयर करो, मुख्यमंत्री पद किसको देने वाले इसके ऊपर बोलो। लेकिन महाविकास आघाड़ी में ऐसा कोई बोलने को तैयार नहीं है। बार बार ये लोग कहते हैं लेकिन उनको निग्लेक्ट किया जाता है। अभी महाविकास आघाड़ी के नेताओं ने सोचना चाहिए। आज आप ही पत्रकार परिषद में बोल रहे थे कि संजय राउत ने कहा कि अगर अलग लड़ना है तो कांग्रेस अलग लड़े। ये स्टेज तक अगर उबाटा जा सकती है तो महाविकास आघाड़ी ने इसके ऊपर सोचना चाहिए। धन्यवाद शंभुराजे देसाई। शिवसेना शिंदे गुट के नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री शंभुराजे देसाई, जिनका कहना है कि हरियाणा चुनाव के बाद जहां उनका यानी महायुति का मनोबल बढ़ा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ शिवसेना उभाटा यानी उद्धव ठाकरे गुट किसी भी हद तक जा सकती है और अब इस पर एमवीए को विचार करना चाहिए कि क्या शिवसेना उद्धव गुट को उन्हें साथ रखना है या नहीं। कैमरामैन गजानन बालापुरकर के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज, मुंबई। फॉर एक्सक्लूसिव एंड इनसाइटफुल वीडियोस सब्सक्राइब टू आवर न्यू चैनल एबीपी लाइव प्रीमियम।